चुनाव भी है। एक और बीजेपी और महायुति है जिसके लिए मराठी संस्कृति और इतिहास, ये हमारी आस्था के केंद्र है। हमारी केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हमने मराठी को वो पहचान दी, ये महान भाषा जिसकी पहले से हकदार है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की बात की, उनके सम्मान को आगे बढ़ाया। बीजेपी गर्व से कहती है कि वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत है। वीर सावरकर महाराष्ट्र और राष्ट्र के गौरव है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और उसके पीछे लगे महाआघाड़ी के लोग, आप इनकी सोच और मानसिकता देखिए। कांग्रेस ने कभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं मिलने दिया। कांग्रेस के लोग घूम घूम कर वीर सावरकर को गाली देते हैं, कांग्रेस के नेता गाली देते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आकर के वीर सावरकर का अपमान करते हैं। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र के आघाड़ी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के युवराज को बिठाया, उसको कहा भाई महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है, तुम वीर सावरकर को अभी गाली देना कुछ दिन बंद करो। उसके मुंह पे ताला लगाया, गाली बोलना बंद करो। और ये देखिए आघाड़ी वाले, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सावरकर की विरासत का दम भरने वाले आज आघाड़ी में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। मैं कांग्रेस के महाआघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं, ये चुनौती मेरी महाआघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर सावरकर की काले पानी के दिन, काल कोठी में बताए उनका वो कठिनतम समय और देश की आजादी के लिए लिया हुआ प्राण, कांग्रेस सब कुछ खारिज करती है। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से वीर सावरकर के काले पानी वाले दिनों की जरा प्रशंसा करके दिखाए। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर ने कितने ही क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से ऐसे प्रेरणादायी वीर सावरकर की तारीफ करवाकर जरा दिखाए। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।